और अगर आपको डेटा साइंस 4 ईयर के बाद तो आप सेकंड ईयर से ही थोड़ा अवेयर होकर इधर उधर इंटर्नशिप तलाशना स्टार्ट कर दो, कोई फ्री की मिले फ्री की कर लो। AI will kill programming, AI will kill video editing, ChatGPT plugins, AI तो बस खत्म कर देगा सब कुछ। अगर आप वो गोल की तरफ सोचो कि अगर लेट से अगर आप कोडिंग सीख रहे हो कि अगर मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनीज में चला गया तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फंडामेंटल नहीं जानते, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स नहीं जानते तो कोई कंपनी आपको डेफिनेटली हायर नहीं करेगी। तो फंडामेंटल्स तो आपको स्ट्रॉन्ग रखने ही पड़ेंगे। मतलब हाय एवरीवन, आई एम संदीप जैन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गीक्स फॉर वीक्स, एंड टुडे आई हैव टू वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। दीज पीपल हैव बीन डूइंग ऑसम जॉब्स, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्लेसमेंट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो आई हैव विद मी दिवांशु, ऑल्सो नोन एज द कोड स्कूल, एंड आई ऑल्सो हैव अर्श गोयल विद मी। So the topic that we are going to cover today is how to be consistent while we are learning, because it's very easy to be consistent on social media and other platforms, but how to become consistent when you are coding or when you are learning in general. So Divangshu, you would like to add anything, like how do people become consistent? Because that's the question I also get a lot from the students. So I think consistency is something that comes from motivation. So let's say there's someone कि उनका family condition इतना अच्छा नहीं है, so he's in 11th or 12th, ठीक है, so he's saying his family struggle with money financially, so उनमें बहुत एक strong motivation होगा, will power होगा कि मुझे आगे जाके कुछ करना है, तो वो खुद ही time spend करेगा, उस पर खुद time लगाएगा। And if you compare that with someone who's very well off, उसको मतलब जरूरत नहीं है इतना पैसे की, his family is doing great, तो उनको maybe इतना motivation ना हो। So एक दो spectrum आई थिंक होते हैं मोटिवेशन का, बट लेट से और मोस्टली लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, बीच में कहीं पे होते हैं, सो उनका फ्यूचर या तो इधर जाएगा एकदम रिच वाले में या इधर जाएगा अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको आई बिलीव कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढना चाहिए लाइफ में जो उनको हमेशा दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए। सो एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैं 11th 12th में था, ITJ के प्रिपरेशन कर रहा था, तो हमारे टीचर हुआ करते थे, तो वो ना हमें बहुत स्टोरीज बताते थे कि जब उनका ITJ क्लियर हुआ तो पूरा जो उनका गांव था उनके घर पे आया, पूरा सेलिब्रेट किया उनको, बहुत बड़ी चीज हो गई थी उनके लाइक गांव के लिए, उनके शहर के लिए। तो वो स्टोरी सुन के ना मैं बहुत ऐसा मोटिवेटेड फील करता था कि यार अगर मेरा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो वो चीज ऐसे दिमाग में रहती थी, तो ऐसे स्टोरीज दिमाग में रहती थी। तो ऐसे इफ यू अगर आप वो गोल की तरफ सोचो कि अगर लेट से अगर आप कोडिंग सीख रहे हो कि अगर मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनीज में चला गया तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, तो वहां से आप मोटिवेशन ले सकते हो, उससे कंसिस्टेंट रह सकते हो। सो द आइडिया शुड बी टू कीप गोल इन योर माइंड ऑल द टाइम टू बी कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी में आप बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो। जैसे एक तो होता है कि मैं 10 दिन कंसिस्टेंट रहा लेकिन फिर मैंने एक दो दिन का बीच में ब्रेक ले लिया बिकॉज अभी मुझे थोड़ा लगा कि यार बहुत ज्यादा कंटिन्यूस वर्क हो गया। सो इज इट फाइन लाइक कि या फिर कंसिस्टेंट का मतलब डेली ही करना है, मतलब 2 महीने तक या 3 महीने तक? देखो जो अपनी जैसे कॉर्पोरेट जॉब होती है वो भी डेली नहीं होती है, थोड़ा बीच में एक दो दिन चाहिए होते हैं, माइंड को रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो पॉसिबिलिटी होती है कि बर्नआउट हो जाए, कि अगर आपकी बॉडी बर्नआउट हो गई, आपका माइंड बर्नआउट हो गया, तो शायद आप 1 महीना तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी लेने जरूरी हैं कि लेट से आपने एक दिन का ब्रेक ले लिया बीच में, या कभी लेट से आपका आप कहीं फैमिली के साथ गए हो तो ब्रेक हो जाती है कई बार, तो ब्रेक्स लेने भी जरूरी हैं, बट यू शुड नीड टू मेक श्योर कि आप इतना लंबा ब्रेक मत ले लो कि वापस वो मोमेंटम बिल्ड करने में बहुत आपको एफर्ट लग जाए। दैट हैपेंस एक्चुअली, अगर आपने बहुत ब्रेक ले लिया तो वो मोमेंटम नहीं आता है फिर। अर्श, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? सर बेसिकली कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा आई वुड रिलेटेड टू हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर आप देखते हो ना कि आपका जैसे कॉलेजेस में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके आसपास वाला पीयर ग्रुप कैसा है, राइट, एंड उनको देख के ही आप कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हो, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट बनते हो। जैसे देखते हो कि यार मेरा दोस्त ये सब प्रॉब्लम कर रहा है, या मेरा दोस्त सीख रहा है, या कोई नई टेक्नोलॉजी पिक करके उसने प्रोजेक्ट बना लिया, राइट, एंड आप एक दूसरे को कंपेयर करने लगे। आई वुड नॉट से दैट्स अ नेगेटिव कॉम्पिटिशन, बहुत जगह हेल्दी कॉम्पिटिशन भी होता है, एंड हम लोग वही चीज़ें फेस करके आए। हम देखते थे कि यार चलो मेरे साथ ही मेरी क्लास में बैठ रहा है, मेरे पढ़ रहा है, एंड ही इज डूइंग गुड, आई शुड ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, आई शुड ऑल्सो डू गुड, राइट। वो कंसिस्टेंसी आप किसी को देख के, मतलब यू कैन बी कंसिस्टेंट इनफ, एंड बहुत सारी ऐसी गेमीफाइड चीज़ें आ जाती हैं, यार मतलब ये चीज़ करनी है, हम जैसे स्नैपचैट पे, राइट, स्ट्रीक बनाते हैं कि मैंने तुमको एक फोटो भेजी, तुम मुझे एक फोटो भेजो, एंड इट्स लाइक हमने इतने दिन तक वो चीज़ करी, तो दैट्स अ स्ट्रीक, मतलब टास्क हो गया कि रोज करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही करना है।
तो वही चीज सेम है, मतलब हमने कुछ भी सीखना है, मतलब सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, कुछ भी सीखना है हमें टाइम डिवोट करना है। वो टाइम डिवोट करने में ऐसा नहीं है कि यार एक दिन में मैंने मतलब एक दिन खूब मोटिवेशन आई, जोश आया, मैंने सब कुछ कर दिया, उसके बाद 20 दिन कुछ नहीं किया, तो दैट वुड नॉट लीड टू एनी एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स का वेस्ट होगा। बट इट्स मोर अबाउट कि अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ कर लो, इवन इफ इट्स नॉट अ वेरी हैवी टास्क, किसी दिन लगता है कि आपको नहीं मन कर रहा तो कुछ भी, चलो आर्टिकल ही पढ़ लिया, राइट, सो दैट वुड ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सोचना हो तो ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ और नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट डूइंग वन थिंग, दैट वुड ऑल्सो लीड टू बर्नआउट, तो दैट आई एग्री। बट हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप दिन का सोच लो कि यार मुझे एक प्रॉब्लम करना है या दो प्रॉब्लम करना है। आई वुड से अगर तुम सेकेंड ईयर में हो, अगर तुम दिन के एक दो प्रॉब्लम भी करते हो तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, राइट। एंड इसमें मतलब बहुत सारी चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे अपने टाइम पे हम भी जैसे ऐसे स्टार्ट किया था, सेकंड ईयर में एक दो प्रॉब्लम्स करते थे, उस टाइम पे लगता था कि यार सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई ना, मैंने एक क्वेश्चन कर लिया तो मेरे को लगता है मेरा डे प्रोडक्टिव था। तो अगर तुम्हारे अंदर वो वाली फीलिंग आ रही है तो दैट इज समथिंग दैट वुड मेक अ डिफरेंस, राइट। सो जैसे उन्होंने स्ट्रीक का बोला अर्श ने, तो कंसिस्टेंसी का मुझे लगता है कंसिस्टेंसी प्लेज वन ऑफ द मेजर रोल्स इन एनी सक्सेस, वेदर इट इज कोडिंग, लर्निंग, और आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो। अगर आप मेरा एग्जांपल लो तो मैं 15 साल से गीक स्टोरीज कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई रीच दिस स्टेज, मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। और मैंने जो देखा है कि लोग सोशल मीडिया वगैरह पे तो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन लर्निंग में इतना नहीं रहते, तो इसी वजह से हमने गीक स्टोरीज पे लगभग 2 साल पहले एक सोल्यूशन एक चीज स्टार्ट करी, प्रॉब्लम ऑफ द डे, वी कॉल इट POTD ऑल्सो। तो प्रॉब्लम ऑफ द डे में मैंने देखा कि मेरी डॉटर कोई सोशल मीडिया यूज कर रही थी और वहां पे उसका कुछ स्ट्रीक ब्रेक हो गया एंड शी वाज वेरी अनहैप्पी। तो मैंने पूछा यार क्या प्रॉब्लम हो गई, तो बोलते हैं मेरा स्ट्रीक ब्रेक। मैंने पूछा स्ट्रीक क्या होता है, तो शी टोल्ड मी कि स्ट्रीक ऐसा होता है कि आपको डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना। मैंने कहा यार ये चीज तो कोडिंग में भी बहुत जरूरी है, कोडिंग में अगर बच्चे ऐसे अब कुछ भी मोटिवेशन देते हैं जिससे वो डेली करते रहे। सो वी स्टार्टेड प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड वी हैव सीन रियली गुड नंबर्स, अभी 40,000 लोग उस पर एक्टिव रहते हैं डेली। और एक तो स्टूडेंट ऐसा है जिसने 844 डेज का कंटिन्यूअस स्ट्रीक मेंटेन करा है, एंड द मोटिवेशन दैट वी प्रोवाइड इज वी गिव देम गुडीज एंड आई सी डेली पीपल टैगिंग मी ऑन सोशल मीडिया डेली। व्हेनेवर आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई सी पीपल टेकिंग इट एज एन अचीवमेंट कि मेरे को टी शर्ट आया 101 से। सो दिस हैज बीन लाइक रियली ड्राइविंग फैक्टर फॉर अस ऑल्सो दैट पीपल आर टैगिंग अस। नाउ एक चीज और है, अभी जैसे कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट, कई बार आज जैसे आपने बोला लोगों का गोल होना जरूरी होता है, आजकल लोगों में थोड़ा डिमोटिवेशन आ गया है बिकॉज जॉब मार्केट थोड़ा वैसा है कि लोग अभी उतना कंसिस्टेंटली शायद उस वजह से मैनेज नहीं कर पा रहे। थोड़े दिन पहले, एक साल पहले लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो उसका आपको क्या लगता है, मतलब लोगों को उतने कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए भले ही जॉब मार्केट थोड़ा अप डाउन जो भी हो रहा है, और ये जॉब मार्केट मतलब कब तक सही हो जाएगा, मतलब इस पर आपका क्या व्यू है? सो मेरा ये मानना है कि कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन कैसी भी हो, हमें वो चीजों पर वर्क करना चाहिए जिसपे हमारा कंट्रोल है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, हम जाके अब US में इंटरेस्ट रेट तो कम कर नहीं सकते, राइट। हमारे हाथ में क्या है कि हम अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, कि अगर लेट्स से जॉब मार्केट इंप्रूव हो गया अब से 6 महीने बाद, सो वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि हम जाके कंपनीज में अप्लाई कर पाए। अगर आप अभी बैठ गए कि यार अभी तो मार्केट है नहीं, मैं अभी पढ़ के क्या करूं, स्किल्स लेके क्या करूं, और बाद में 6 महीने बाद मार्केट खुल गई, तब आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपको और 6 महीने लग जाएंगे, राइट। तो अभी आपको लाइक ये दिमाग में रखिए कि हाँ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि 6 महीने बाद खुलेगा या 3 महीने बाद खुलेगा, वो सोच के करते रहना चाहिए। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको आजकल ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, मतलब आपको ज्यादा अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए क्योंकि द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी टफर। आप पहले जितना आपके सीनियर कर रहे थे उससे ज्यादा आपको कम्पीट मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। अर्श आपको क्या लगता है, मतलब कि जैसे जॉब मार्केट इंप्रूव तो होगा टाइम के साथ, काफी इंप्रूवमेंट हुआ भी है, जैसे हम भी जॉब पोर्टल चलाते हैं, मैंने देखा है कि आपको कैसे दिख रहा है, मतलब अभी प्लेसमेंट बेटर हो रहे हैं या फिर अभी आप जैसे आप काफी सारे जॉब पोर्टल या जॉब्स भी पोस्ट करते रहते हैं, तो हाउ इज द जॉब मार्केट गोइंग? इस साल अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ट्रेंड चेंज हुआ है। 3 टाइप्स की हायरिंग देखता हूँ मैं बेसिकली, एक इट्स वन इज सर्विस बेस्ड कंपनी की हायरिंग होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बिग टेक गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न, एक स्टार्टअप्स की हायरिंग होती है। तो आप देखोगे कि बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट, मतलब हर साल दिस इज अ क्रेडिबल फिगर कि 2.5 से 3 लाख इंजीनियर्स ये सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज हायर करती हैं। अगर आप मानो HCL, इन्फोसिस, ये केपजेमिनी, विप्रो, TCS, राइट, तो ये बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी क्लोज टू 2 to 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल हायर करती हैं। बट इस साल क्या है कि ये कंपनीज आर काइंड ऑफ नॉट हायरिंग, बहुत सारी कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो ने तो अनाउंस किया कि दे वॉन्ट बी हायरिंग कैंपस स्टूडेंट्स,
फिर बाकी जो कंपनीज हैं TCS है, विप्रो है, उनका भी हायरिंग नंबर इज नॉट दैट बिग इस साल। जैसे वो पहले कैंपस में विजिट करती थी, TCS अपना कोड वीटा करवाती थी, TCS NQT करवाती थी, बट इस साल हो रहा है बट उसके थ्रू हायरिंग नहीं हो रही है। तो जो बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट था जो सर्विस फेस कंपनीज में प्लेस होकर बैठ जाता था कि मेरी प्लेसमेंट हो गई है, अब वो बच्चा भी जॉब मार्केट में है। तो एक तो टैलेंट पूल बढ़ गया है। सेकेंड, बिग टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें, दे आर नॉट श्योर ऑन नंबर्स कि उनको कितने लोग हायर करने हैं। तो किसी को कमिट करने के बजाय फुल टाइम रोल देने, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि यार इंटर्नशिप देके आई विल गेट देम, आई विल मेक देम वर्क, एंड फिर अगर उस पॉइंट पे सिचुएशन ठीक हुई तो आई विल कन्वर्ट देम। तो इंटर्नशिप वाला सीजन है कुछ कुछ कंपनीज में, हायरिंग नंबर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हैं इस साल, एंड कंपनीज ने PPOs वगैरह भी नहीं लिया। तो बिग टेक का ये सीन है। अब इस पॉइंट पे स्टार्टअप्स के पास अपॉर्चुनिटी है अच्छा टैलेंट लेने की, क्योंकि मार्केट में सब टाइप का टैलेंट है। तो लाइक स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा चूजी हैं कि यार मुझे तो अगर ये बंदा मिल रहा है इतने में तो मैं ये बंदा लूंगा ना। इट्स लाइक तुम्हें कंपटीशन करना है विद इन योर स्किल्स कि यार इसको रिएक्ट आती है बहुत अच्छी, इसको रिएक्ट आती है तो मैं इससे बेटर कैसे बन सकता हूँ। तो आई वुड से कि इस मार्केट में इट वुड नॉट बी वाइज टू से कि तुम्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, DSA कर लो, डेवलपमेंट, दैट्स अ डिबेट राइट। बट मोर ओवर इट्स लाइक ट्राई बींग द टॉप 1% इन एनी वन ऑफ द फील्ड्स राइट। अगर आप फ्रंट एंड में कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ अगर आप टॉप 1% में हो तो नो डाउट आपको जॉब तो अच्छी मिल ही जाएगी। आप जॉब से वो तो नहीं होंगे, ट्राई बिल्डिंग अ स्किल, अपने आप को किसी एक चीज में बहुत अच्छा एक्सपर्ट बना लो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो जॉब की दिक्कत नहीं होने वाली। बट हाँ, ओवरऑल सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। जैसे TCS कोड वीटा भी हर साल होता था राइट, वो जनवरी में होता था, बट अभी वी हैव रिसेंटली सीन दे हैव लॉन्च्ड इट। ऐसे ही गोल्डमैन सैक्स हायर करती थी, मतलब पहले नहीं हायर करी थी, तो हैव रिसेंटली लॉन्च। तो कुछ कुछ ओपनिंग्स इन द रीसेंट मंथ्स वी हैव सीन। एक्सपीरियंस हायरिंग तो काफी ज्यादा स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेशर हायरिंग में भी थोड़ा थोड़ा अपडेट है, बट हाँ इट्स नॉट अप टू द लेवल अगर हम 22 या 21 से कंपेयर करें तो। अर्ष, आपने जैसे बोला ना कि 1% में टॉप में आना जरूरी है, अगेन वहां पर कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ऐसा आप नहीं होगा कि आपने 2-3 महीने में कर लिया, अब कोई कोर्स कर लिया तो भी हो जाओगे। आपको बेसिकली कोई कोर्स भी कर रहे हो उसके बाद आपको 2-3 साल तक लगातार, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में स्टार्ट कर लो, 2 साल तक लगातार करो, तब आप आ पाओगे टॉप 1% में। तो ऐसे नहीं, लोगों का आजकल थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि 6 महीने में हो जाएगा, 6-3 महीने में नहीं होता है। तो वही ना, क्विक सक्सेस चाहिए हर चीज में। मतलब आजकल रिवॉर्ड लोगों को ऐसे दिखता है ना कि यार मैं ये एक चीज करूंगा तो अगले दिन मुझे ये चीज मिल जाए। मतलब दिस हैज बिकम द माइंडसेट। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि यार वो ऐसे 2 दिन में रातों रात सोशल मीडिया सुपरस्टार बन गया उसके। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समबडी हु हैज ग्रोन टू सोशल मीडिया, 1 दिन में 1 मिलियन हो गए उसके राइट। तो वो जब बच्चों को क्विक सक्सेस दिखती है तो वो लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को भी कल ही नौकरी मिल जाए, कल ही। लोग ये नहीं सोचते कि यार कॉलेज में भी तुम्हें 4 साल दे रहा ना, उसके बाद मुझे जॉब लग रही है, 4 ईयर्स आई एम गिविंग फ्रॉम माई लाइफ। तो वो एक थोड़ा सा फिर वही बात आ गई माइंडसेट शिफ्ट की। तो माइंडसेट अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीइंग द सिचुएशंस, वी नीड टू अडैप्ट आवरसेल्फ्स। एंड मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये चीज़ नहीं है सर, बहुत सारी ऑप्शन है। अगर जॉब नहीं लग रही है तो इफ यू आर गुड इनफ तो तुम बहुत अच्छे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो राइट। फुल स्टैक डेवलपर, मतलब वेबसाइट तो हर किसी को चाहिए। मतलब बी इट अ केमिस्ट शॉप टू अ हलवाई टू अ बिग टेक कंपनी टू अ स्टार्टअप, फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड तो हर जगह है ना। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जॉब्स हैं इसमें। तो लाइक यू कैन पिक एनी फ्रीलांस प्रोजेक्ट, वो तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा तो देगा ना। यू विल गेट इवन आईडिया से भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ उसका वेबसाइट से मतलब है। तो इट्स लाइक यू नीड टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारे अंदर वो होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू बी अवेयर ऑल्सो राइट। तुम्हें अपने आस पास जो भी चल रहा है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। यू शुड बी एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलती हैं, रेलेवेंट लोगों को फॉलो करो, एंड यू विल मे बी दिस प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व समहाउ। सो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये कि लोग अवेयर नहीं होते हैं, मतलब लोग फॉलो नहीं करते हैं जहाँ पर, मतलब लोग बस एकेडमिक पे देखते रहते हैं, बीटेक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो उसको 12th की तरह समझते हैं कि ये पढ़ाई करते आए हैं स्कूल में, वैसे ही यहाँ पर भी बस एग्जाम क्वालिफाई करने। जब आप इंजीनियरिंग टेक एजुकेशन में आ रहे हो तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉलेज का जो एकेडमिक सिस्टम है वो उतना जल्दी चेंज नहीं होता, वो फंडामेंटल्स फोकस करते हैं, विच इज़ अगेन नॉट रॉन्ग, फंडामेंटल्स पढ़ाने हैं उनको। लेकिन आपको अगर जॉब के हिसाब से सोचना है तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि कंपनी में क्या चल रहा है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्श, मैं आपसे पूछूं कि आजकल जैसे लोग पूछते हैं कि मैं डेटा साइंस कर लूँ, डेटा एनालिटिक्स कर लूँ, या फुल स्टैक कर लूँ, फ्रंट एंड बैक एंड, तो आपको क्या लगता है मतलब कि व्हाट शुड बी द स्टूडेंट चूजिंग? हर चीज की ना हाइप आती है। मतलब कुछ टाइम पहले हम MLA, मतलब मेरे टाइम पे लोग MLA बोलते थे, तो मैंने भी सुन सुन के MLA के ऐसे 2-3 कोर्सेज कर लिए यूडेमी पे ये सब।
फिर वो थोड़ा सा डाउन गया, फिर ब्लॉकचेन के बारे में बोलने लगे, यार ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, यू शुड गो एंड डू ब्लॉकचेन। फिर रिसेंट टाइम में देखा वेब 3, NFTs, क्रिप्टो, ये सब क्रिप्टो ये करो, NFT बनाओ। अभी फिर से मतलब दिस इज द वेव ऑफ जनरेटिव AI कमिंग इन, राइट, यू शुड लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और समथिंग। तो हर चीज का अप एंड डाउन आता है कहीं ना कहीं, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको वही चीज पकड़नी है, ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा कमा लोगे शायद उसमें, इट्स लाइक एक कोर रखो एंड ट्राई टू बी लाइक put in your full effort in there. मतलब कोई एक चीज में आप fully specialized हो जाओ तो I would say कि you would definitely lead to a good place. अब इनकी अगर comparison करें, अगर full stack की comparison करें data science के में, तो companies are not ready to hire a BTech candidate directly for a data science role. उनको specialization चाहिए. देखते होगे ना कि बहुत बच्चे फैसिनेट होके डेटा साइंस कर लेते हैं कॉलेज में, बट इट्स लाइक आफ्टर द एंड ऑफ 4 years उस बंदे को डेटा साइंस की जॉब नहीं मिलती। और अगर आपको डेटा साइंस 4 ईयर के बाद चाहिए तो आप सेकंड ईयर से ही थोड़ा अवेयर होकर इधर उधर इंटर्नशिप तलाशना स्टार्ट कर दो, कोई फ्री की मिले फ्री की कर लो, हाँ काम थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। वो ना ऐसे जब हम ऑनलाइन कोर्सेज देखते हैं तो डेटा साइंस में वो बेसिक वो यूज केसेस वाले प्रोजेक्ट्स करवा देते हैं, डिजिट रिकॉग्निशन, वो देख के तो बड़े अच्छे लगते हैं, फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट वो रियल लाइफ में अगर तुम किसी कंपनी में काम करोगे वो वाली चीज इज वेरी डिफरेंट। तो डेटा साइंस का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते। एंड अगर लाइक आप बड़ी कंपनीज की बात करोगे जो उसमें AI ML वाली टीम्स होती हैं, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ BTech वाले होते हैं, लोगों को थोड़ा एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो ये वाला चीज़ है, बट हाँ फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब उसमें इट्स लाइक अगर आप अच्छे से मान लो जावास्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे से आती है, राइट, एंड फ्रंट एंड आपने बहुत अच्छा करा है, तो उसमें देयर इज स्टिल अ स्कोप, उसमें आपको थोड़ा इजीली एंट्री मिल सकती है, यू कैन गेट अ जॉब, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट पॉइंट फॉर एनी स्टार्टअप टू स्टार्ट। यार वो सोचता है कि मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ, या कोई भी बिग टेक कंपनी में आप मैक्सिमम इंजीनियर्स देखोगे जो बैक एंड फ्रंट एंड या ये सब डेटाबेसिस ये सब टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, तो यू शुड बी हैविंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दिस। हाँ एक बार आप इंडस्ट्री में आ गए उसके बाद आपको कहाँ जाना है वो आप खुद डिसाइड करना, सब कुछ टेस्ट आउट करके, बट हाँ इजी टू गो इज आई वुड से द अपॉर्चुनिटी और ईज ऑफ एंट्री इज इन वेब डेवलपमेंट, बाकी सब में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जस्ट टू ऐड हियर आई एग्री कि ईज ऑफ एंट्री इसमें ज्यादा है, सीखना भी इजी है एंड थोड़ा सेफ चॉइस ये है। आजकल ना स्टूडेंट्स इतने इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं कि कभी बोलते हैं लास्ट ईयर जैसे ब्लॉकचेन का बहुत चल रहा था, अभी AI का बहुत चल रहा है, आजकल ना जो भी एक टॉपिक आता है उस पर पूरा सोशल मीडिया भर देते हैं लोग, मतलब सबको अपना अपना बिजनेस चलाना है, सोशल मीडिया पेज चलाना है जो भी है, तो लेट से अभी AI आया तो सबने AI से भर दिया, AI विल किल प्रोग्रामिंग, AI विल किल वीडियो एडिटिंग, प्लगइन्स की AI तो बस खत्म कर देगा सब कुछ। और लास्ट ईयर सब लोग NFT बना रहे हैं, हाउ टू बिल्ड NFT, तो वो टॉपिक बहुत Web3 तो वो चल रहा है, पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो लोग ना इन्फ्लुएंस मतलब अंडरस्टैंडेबली बहुत इन्फ्लुएंस तो होंगे जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वहां से। तो एक हमें यहाँ भी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आप जिस भी क्रिएटर को आप देखते हो या जिस भी सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, खुद का भी रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप श्योर हो पाओगे कि सही में AI कुछ किल कर देगा किसी को। और मेरे इसमें साथ में ये भी है कि किसी एक को तो कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इवन आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मेरे से भी एडवांस स्टेज में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और मैं उन सबके वीडियो पॉडकास्ट वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन मैं किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, मैं सबको सुनता हूँ मतलब, और जो मुझे और आई एम ए डिफरेंट पर्सन, दोज गाइज आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, वो बहुत जरूरी है, सबको सुनो मतलब सबको सुनो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, लेकिन आप एक अलग पर्सन हो, आप अलग टाइम पे BTech कर रहे हो, आप अलग टाइम पर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपका अपना करियर है, तो वो बहुत जरूरी है। और साथ में अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ट्रेंड्स जो आते रहते हैं उसके साथ में फंडामेंटल्स हमेशा रहेंगे, मतलब कोडिंग का लॉजिक, लूप्स, फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। और एक फ्रेशर से आप भले ही NFT नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप फंडामेंटल नहीं जानते, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स नहीं जानते, तो कोई कंपनी आपको डेफिनेटली हायर नहीं करेगी। तो फंडामेंटल्स तो आपको स्ट्रॉन्ग रखने ही पड़ेंगे, मतलब इट्स लाइक ईज ऑफ लर्निंग। अगर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो मैं इसको डेटा साइंस भी सिखा सकता हूँ, ARVR भी सिखा सकता हूँ, वेब डेवलपमेंट भी सिखा सकता हूँ, ये सीखने की क्षमता है इसमें, यू कैन लर्न इजीली, राइट। इफ ही हैज दो एक दिन बैठा है, उसने 3-4 घंटे लगाए हैं एक प्रॉब्लम पे, 10 सॉल्यूशंस देखे हैं, फिर जाके कोड सबमिट किया, तो मतलब वो इतना काम तो कर लेगा कि मैं उसको कुछ सिखा सकता हूँ।
तो कंपनी का माइंडसेट ये हो जाता है, मतलब जो फंडामेंटल्स, इसीलिए फंडामेंटल्स बोलते हैं कि स्ट्रांग होने चाहिए। तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग तो इन एनी केस होने ही चाहिए, चाहे आप ब्लॉकचेन में जाओ, वेब डेवलपमेंट में जाओ, डेटा साइंस, स्पेशली जब फ्रेशर हो। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया फिर मेरे से रिलेवेंट पूछा जाएगा। फ्रेशर को तो फंडामेंटल्स, आप बाकी जो भी कर रहे हो फंडामेंटल्स पे जरूर बिल्कुल फोकस रख के रखो। मेरे से तो जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए थे वो लोग सबने फंडामेंटल्स ही पूछे थे। आजकल लोग पूछने लग गए हैं टेक, लेकिन उसका तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग, लेकिन फंडामेंटल्स तो आने चाहिए। फंडामेंटल्स नहीं आ रहे तो आप प्रॉब्लम है कुछ। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि DSA क्यों करवाते हैं, मतलब कंपनीज में जाके तो काम नहीं होता, कंपनीज क्यों पूछती है इंटरव्यू में। आई थिंक उससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंपनीज को पता चलती है कि इस बंदे ने डेडिकेटेडली कुछ सीखने में टाइम लगाया है क्या, कि उसने 3-4 महीने हार्डवर्क किया है कि इसी हार्ड वर्किंग और नॉट। अगर उसने किया ही नहीं है, मतलब कंपनी को लगेगा यार ये टाइम दे ही नहीं सकता इस चीज को, उसमें डेडिकेशन नहीं है उस लेवल का, और शायद इसको फिर आगे सिखा भी ना पाए, कोचेबल नहीं है। सो इट्स लाइक अ रेबेल कि हाँ कंपनीज DSA पूछती है, मैं नहीं करूंगा DSA। तो कंपनीज माइट नॉट रियली वॉन्ट टू हायर अ रेबेल, राइट? तो वहां पे भी वो बात आ जाती है कि अगर फंडामेंटल सीखोगे आप तो आगे कुछ भी सीख सकते। आई थिंक सेम प्रिंसिपल गोज फॉर CGPA आल्सो। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं CGPA 7 क्यों करूं, मेरे पास तो स्किल है। उसका भी एक सिंपल रीजन होता है, अगर आपने CGPA इतना मेंटेन करा है तो आप थोड़े डिसिप्लिनड हो, आप 4 साल गए हो कॉलेज, आपने जो आपको बताया गया, आपने वो होमवर्क ढंग से किया, आपने वो सारी चीजें की हैं, वो भी एक साइन होता है कि यू आर ए गुड एम्प्लॉय। डेडिकेशन दिखता है, 4 साल कंटिन्यूअसली आप कॉलेज गए हो तो वो भी एक इंपॉर्टेंट साइन होता है। मतलब सिर्फ स्किल सेट होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जितना एम्प्लॉय डेडिकेटेड है वो सीख लेगा आगे कंपनी में, इससे भी पता लगेगा हाँ बच्चे ने मेहनत करी है, मेहनती है, ही विल कम टू माय कंपनी, ही विल लर्न स्टफ इफ ही इज नॉट परफेक्ट एट दिस पॉइंट। तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन की इंटरव्यूअर का माइंड सेट कैसा है उस टाइम। हाँ वो इंटरव्यू कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सबसे बड़ी चीज इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन में यही है कि इट्स नॉट लाइक IIT के फिक्स सिलेबस ऑफ एग्जाम है, हर कंपनी अलग है भाई, सारे इंटरव्यूअर अलग है, कुछ भी हो सकता है। 100% श्योर यू आर अ 5-स्टार कोडर, सब कुछ आता है आपको, आप इंटरव्यू में जाके शायद नहीं अच्छा कर पाओ, एंड जिसने अभी अभी स्टार्ट किया शायद वो अच्छा कर पाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, इंटरव्यू का माइंड सेट ऑल्सो, आपका उस दिन कैसा चल रहा है सब कुछ। और एज ए स्टूडेंट सबसे जरूरी होता है कि आप अप्लाई करते रहो, मतलब आप ये नहीं है कि एक कंपनी में रिजेक्ट हो गए, क्योंकि अब उसमें कई बार आपकी गलती भी नहीं होती है, वो इंटरव्यूअर वो कंपनी आपके हिसाब से अलाइंड नहीं रहे, आप नहीं हुए दूसरी जगह करो तीसरी जगह करो, आपको कहीं ना कहीं तो एक ऐसी कंपनी मिलेगी जिसके साथ आप फिट बैठोगे, जो आपके साथ अलाइंड होगी। तो वो भी लोग गलती कर देते हैं, अपने ऊपर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, मेरा 4 कंपनी में नहीं हुआ आप कैसे होगा, मतलब यू विल फाइंड ए कंपनी। ठीक है यार, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई मीन एंड प्लेजर टू हैव यू हियर, एंड आई कीप मीटिंग यू यार, सॉरी, एंड इट ऑलवेज आई फील ऑलवेज वेरी ग्रेट मीटिंग टू यू, द काइंड ऑफ ग्रोथ आई हैव सीन, द काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल, एंड ग्रेट मीटिंग यू ऑल्सो फर्स्ट टाइम, आई थिंक वी आर मीटिंग सेकंड टाइम, गूगल इवेंट ऑल्सो।